माँ माँ कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटा कल तेरे पापा का श्राद्ध है, पूजा करानी है, पंडित जी को बुला लाना। माँ कब तक तुम मुझसे ऐसी पैसे ऐठती रहोगी किसी न किसी बहाने? हर वक्त तुम्हारी नजर सिर्फ मेरे पैसों पर ही तो है, हर बार कोई ना कोई कहानी बना ही लेती हो। बेटा वो तेरे पिताजी हैं। पता नहीं बूढ़ा जाने के लिए चला गया लेकिन सारा खर्चा मेरे सर पर छोड़ गया। अरे विमला ये औरत कौन है? हर रोज मैं इसे इस पार्क में इन बच्चों के साथ खेलते हुए देखती हूँ। हाय इसकी शादी को तो 10 साल हो गए, आज तक कोई औलाद नहीं हुई बेचारी की। हाय दैया देख कैसे देखे जा रही है, कहीं ये देख देख कर इन बच्चों को नजर न लगा दे। ये कौन है, किसका बच्चा है ये? ये मंदिर की सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, कोई भी नहीं था इसके आसपास। बहुत देर से रो रही थी ये, मेरी माँ की ममता इसका रोना सहन नहीं कर पाई, मैं इसको अपने साथ ले आई। वो तो ठीक है लेकिन कौन है, किसका बच्चा है ये? कितना सुंदर बच्चा है ये। ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। नहीं नहीं लेकिन अगर इसको कोई लेने आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? इसीलिए जहाँ से इसको लाई हो वहीं जाकर इसको रख दो। वो बाद की बात है, मैं पालूंगी इसको। हाँ डॉक्टर साहब। शर्मा जी मुबारक हो, अब आपकी बीवी माँ बन सकती है। क्या सच में? अरे क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम माँ बन सकती हो। सच में? हाँ अब तुम माँ बन सकती हो। हाय माता रानी ने सुन ली मेरी, आज मैं बहुत खुश हूँ, दोनों को एक समान पालूंगी अब। माँ माँ बेटा तू कब आई? मेरी छोड़ो आप, अपनी बताओ, रो क्यों रहे हो आप? पापा की याद आ रही है। दामाद जी भी आए हैं साथ में? हाँ जी। जीते रहो बेटा। माँ आप कैसी हैं और आप रो क्यों रही थी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। माँ भैया कहाँ हैं? बाहर है, आते ही होगा। कल की सारी तैयारी कर दी बेटा? तुम तो मुझे जीने ही नहीं दोगी, तुमने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है, हर वक्त पैसा खर्च करवाने वाली बात ही करती हो। अरे बुढ़ऊ का मरण दिन है, जन्मदिन, पता नहीं खुद तो चला गया और तुम्हें छोड़ गया यहाँ पैसा खर्च कराने के लिए। Ha 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 ha
वाह भैया वाह, क्या बात है, सही कहा तुमने, ये बूढ़ी औरत ना पागल हो गई है। इसे पैसे मांगने के कोई और तरीके तो सूझे नहीं, तो बाप के शराब के नाम पर ही तुझे लूटना चाहती है। बेअकल है ना, क्योंकि सारी जिंदगी बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, लाखों रुपए खर्च किए तुझे पढ़ाया, एक कामयाब इंसान बनाया, समाज में एक मुकाम हासिल कराया, खुद हमेशा गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया। जब जब तू रोता था ना, तो सारा काम छोड़कर तेरा पेट भरती थी। क्यों? क्योंकि तुझसे लाखों रुपए जो ऐड सके, इसीलिए किया ना ये सब। किसी ने सच ही कहा है, एक माँ बाप चार औलाद को पाल तो सकते हैं, लेकिन चार औलाद भी मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। यही वो माँ है जो तेरे बोलने से पहले दुनिया के सारे खुशियाँ तेरे कदमों पे लाके रख देती थी। दिन हो या रात, दिन भर बस हमारे बारे में सोचती थी कि मेरे बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं, और तुम बोल रहे हो कि माँ की नज़र तुम्हारे पैसों पर है। भाई, एक माँ के लिए औलाद की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। और क्या कहूँ मैं तुझे, अरे तुझे तो मुझे अपना भाई कहते भी शर्म आती है।